Hey, good morning beautiful people and welcome back to our channel. So, जैसे कहा सारे 11 बज चुके हैं लास्ट व्लॉग में. सो अभी चाय हो गई पीना एंड पता नहीं मींस भूख लगी है तो थोड़ा अजीब फील हो रहा है. सो ब्रेकफास्ट आने का इंतज़ार. ऐसा लग रहा है कि मैं होटल में रह रही हूँ एंड मेरे मुंह के सामने खाना सब कुछ अपने आप आ जा रहा है. पंखा चला के दे रहा है. सो ब्रेकफास्ट आने दो, ज़बरदस्त भूख लगी है. सो ये रहा कल की तरह मिक्स भाजी और ब्रेड. मुझे ना पाव खाने का मन नहीं हो रहा है. सो ये टरंग आज का ब्रेकफास्ट. मिस्टर बिन किन किन लोगों को पसंद है? मुझे बहुत पसंद है. तो देख रहे हैं ब्रेकफास्ट करते हुए मिस्टर बीन. सो मैंने आईब्रोज की फाइनली मैं घर पे कर सकती हूँ. मुझे वो पेन वेन सहन करने का जरा सा भी इच्छा नहीं है, पर मैं फोरहेड नहीं कर पाई. ये बैटरी लो हो गया क्योंकि जब ये आया था तब मैंने यूज़ किया था और अभी दोनों आँखों का हो गया है, बस फोरहेड करना बाकी है. एंड मेरे बाल देखो यार कैसे अभी निकल रहे हैं. सो अभी और 2-3 महीने तो ऐसे ही रखना है क्योंकि थोड़े लंबे हो जाए. फुल लंबे होने तक ही मैं कोई कटिंग वटिंग नहीं करूँगी, ऐसे ही रखूँगी. सो थोड़ी देर में चार्ज करके फिर मैं अपना पूरे करूँगी क्योंकि ये तो वन प्लस का चार्जर है, इसमें नहीं लगा सकती. ये 80 वॉट का है और कुछ पानी को उधर है चाहती कुछ भी अभी अकेले करने को बोर हो रहा है. एंड ये जो लिपस्टिक है ना, मेरा इसका और एक सेट था, पता नहीं कहाँ गया है, सर्च करना पड़ेगा. एंड मेरे आँखों के देखो डार्क सर्कल भर गए एंड चेहरे में भर भर के दाग. अभी एज जितना आपका बढ़ता जाता है ना, बस चेहरे में दाग निकलना शुरू हो जाता है. एंड यहाँ पर कुछ हुआ है, फटा नहीं थैंक गॉड. सो अभी टाइम 2 तो कब का बज गए हैं, अभी तो 3 बज गए होंगे या 3 बज रहे हैं, आई डोंट नो, 3 बज गए होंगे. सो अभी वेट कर रही हूँ लंच का. सो लंच पंकज ने घर पे, एक्चुअली कल प्रॉन्स पे भी बनाया था, वही है घर पे. फिर राइस बनाया और भिंडी की भाजी बनाई उसने. क्या क्या रोमा आ रहा है यार भिंडी की भाजी की. कोई बोल सकता है वेज खाने का इतना अच्छा स्मेल आ सकता है? आई विश आप लोगों को मैं यू नो मेरे ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को सुंघा पाती, बट इतना अच्छा स्मेल आ रहा है, सुपर मैम. खाने में भी डेफिनेटली अच्छा. मैंने एक रिक्वेस्ट किया हाफ फ्राई चाहिए अंडे का. सो अभी खाने का इंतज़ार, भूख लगी है. मैं कुछ करूं, एक्सक्यूज मी, कुछ करूं या ना करूं, मुझे भूख बहुत जल्दी लग जाती है. मैं सोच रही हूँ कि ये 1.5 महीने में मेरे बालों का क्या हाल होगा. एंड मैं कितना पागल हो गई थी जब मैं शिरोडा गई थी फॉर 5 डेज. मैं एकदम पगला गई थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं कब यू नो मरगांव में पैर रख पाऊँगी. एंड अभी देखो 1.5 महीना मरगांव पे पैर रखने का तो दूर की बात है. मैं झलक देखने का भी मेरा चांस है कि नहीं गॉड. सो ये रहा हाफ फ्राई प्रॉन्स ग्रेवी एंड राइस एंड ये भिंडी का भाजी. टरंग मैच देखते देखते लंच एंजॉय करना ज़रूरी है. मुझे आज बाहर जाके बैठने को ज़रा सा भी नहीं हो रहा है. मतलब आज पता नहीं क्यों बहुत थोड़ा सा वीकनेस वाली लग रही है, फील ऐसा कर रही है, पता नहीं. एंड मैं ठीक हूँ वैसे. आईब्रोज डरती नहीं है, पर तब डर गई थी ना आवाज सुन के कांप उठी. सो मूवी देखते देखते खा रही हूँ ये. वैसे मैंने गिराया टिंग. ये मेरे मेडिसिन का डब्बा है. अभी रात के 10 बजे हैं एंड बाहर से एक्चुअली खाना मंगवाए
एक्चुअली दिलीप मामा आए हुए हैं, पंकज के मामा, तो हम बाहर से ही मंगवाए खाना। सो चलिए गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मिलता है। आज ऐसा ही गया है बाहर से, यही चिली चिकन और ये क्या बोलते हैं उसको, और एक चीज़ क्या, सेज़वान फ्राइड राइस मंगवाए हैं। एंड अभी मैं देख रही हूँ धूम, धूम देखने का बड़ा मन हो रहा था तो मैंने सोचा चलो देखना शुरू करते हैं। मुझे धूम वन, मतलब धूम जिसमें जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन, ये दोनों का ही ये जो पार्ट था ये मुझे ज़्यादा पसंद आया, नॉट आमिर खान। एनीवेज मैं अभी मूवी एंजॉय करती हूँ, पंकज है काम पे बैठा है, एक्चुअली थोड़ा मामा को भी वो सर्विस दे रहा है। एंड और क्या, सो आज का ब्लॉग यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।